अब देखो यार, अगर तुम लोग रैंडी ऑटम के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस रेसलमेनिया 40 के ऊपर रैंडी ऑटम किसको फेस करेंगे इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पर सेथ रॉलिंस के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैकस्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी गए। आंद्रादे एल इडोलो के स्मैकडाउन के ज्वाइन ना करने को लेकर आंद्रादे ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। WWE में रिकिसी के पॉसिबली इनरिंग रिटर्न को लेकर रिकिसी की तरफ से बहुत बड़ा हिंट आ चुका है। WWE में बॉबी रूट के ऑन स्क्रीन पर अपीयर होने को लेकर बॉबी रूट का काफी बड़ा स्टेटमेंट सामने आ रहा है। तो गाइस वहीं रिया रिप्ली के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने को लेकर रिया रिप्ली का बोल्ड स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रैंडी ऑटम की। वेल बात करें अगर यहां पर रैंडी ऑटम की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट नाइट WWE के एलिमिनेशन चैंबर पेपरव्यू के ऊपर रैंडी ऑटम यहां पर लगभग एलिमिनेशन चैंबर को जीतने ही वाले थे। तभी यहां पर लोगन पॉल ने रैंडी पर अटैक कर दिया, और लोगन पॉल की वजह से लास्ट मिनट के ऊपर रैंडी ऑटम को ड्रू मैकइंटायर से हारना पड़ा। और यहीं WWE के एलिमिनेशन चैंबर पेपरव्यू के ऊपर लोगन पॉल के रैंडी पर अटैक करने के बाद अब यहां पर WWE रेसलमेनिया के ऊपर लोगन पॉल और रैंडी ऑटम की स्टोरी लाइन को बिल्ड करने वाली गए। और वैसे तो WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से LA नाइट यहां पर लोगन पॉल को रेसलमेनिया पर फेस करने वाले थे, बट गाइस अब यहां पर पॉसिबली WWE के अंदर रैंडी ऑटम लोगन पॉल को रेसलमेनिया पर फेस करेंगे। वेल गाइस अब ये तो WWE के अपकमिंग स्मैकडाउन को देखकर ही पता चलेगा कि WWE के रेसलमेनिया के ऊपर लोगन पॉल और रैंडी ऑटम की स्टोरी लाइन प्रोड्यूस होती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही WWE के रेसलमेनिया की, तो गाइस यहीं अब WWE के रेसलमेनिया के ऊपर रिया रिप्ली के अपकमिंग वुमन टाइटल को लेकर रिया रिप्ली का काफी बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। वेल WWE के एलिमिनेशन चैंबर पेपरव्यू पर रिया रिप्ली के टाइटल को रिटेन करने के बाद अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि रिया रिप्ली रेसलमेनिया 40 के ऊपर उनका टाइटल बेकी लिंच के खिलाफ डिफेंड करेंगी। बट गाइस यहीं इन दोनों के अपकमिंग रेसलमेनिया मैच को लेकर रिया रिप्ली ने बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है, जहां पर रिया रिप्ली का बेसिकली ये कहना है कि वो यहां पर पर्सनली ये चाहती गए कि WWE के एलिमिनेशन चैंबर को मेन इवेंट करने के बाद अब वो यहां पर रेसलमेनिया नाइट 1 को मेन इवेंट करे। और गाइस रिया रिप्ली ये बिलीव करते गए कि WWE के रेसलमेनिया 40 के ऊपर रिया रिप्ली और बेकी लिंच का मैच रेसलमेनिया नाइट 1 को मेन इवेंट करना चाहिए। वेल आप लोग रिया रिप्ली के बात से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पॉसिबली यहां पर ड्रू मैकइंटायर के एलिमिनेशन चैंबर को जीत जाने के बाद अब मैकइंटायर वर्सेस रॉलिंस रेसलमेनिया नाइट 1 पर होने वाला है। बट गाइस यहीं अब सेथ रॉलिंस के WWE के अंदर एलिमिनेशन चैंबर पेपरव्यू पर ओरिजिनल प्लान को लेकर बैकस्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर WWE के बैकस्टेज से ये अपडेट आ रही है कि अगर यहां पर सेथ रॉलिंस को ओरिजिनली इंजरी नहीं हुई होती तो वो यहां पर WWE के एलिमिनेशन चैंबर पेपरव्यू के ऊपर उनका टाइटल डिफेंड करने वाले थे। और गाइस सेथ रॉलिंस के ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि मंडे नाइट सुपरस्टार ब्रॉन्सन रीड होने वाले थे। और गाइस WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से WWE एलिमिनेशन चैंबर पेपरव्यू के ऊपर ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस के मैच को प्लान कर रही थी, पर गाइस WWE इस मैच को ऑफिशियली अनाउंस करती उससे पहले ही यहां पर सेथ रॉलिंस को इंजरी हो गई। और गाइस रॉलिंस के इंजर्ड होने की वजह से WWE को ब्रॉन्सन रीड और रॉलिंस के वर्ल्ड टाइटल मैच को कैंसिल करना पड़ा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE में रॉलिंस के इनरिंग इंजरी के खत्म होने के बाद वो यहां पर WWE में ब्रॉन्सन के खिलाफ टाइटल को डिफेंड करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंद्रादे एल इडोलो के WWE में फ्यूचर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रॉयल रंबल पर आंद्रादे के सरप्राइज रिटर्न के बाद आंद्रादे यहां पर WWE के रॉ ब्रांड के ऊपर काम कर रहे गए। और वैसे तो WWE के अंदर करंटली यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर ज्यादा लैटिन सुपरस्टार थे, बट गाइस इसके बावजूद भी स्मैकडाउन के मुकाबले आंद्रादे के मंडे नाइट रॉ के ज्वाइन करने के डिसीजन को लेकर आंद्रादे का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। वल इस हफ्ते जब आंद्रादे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर आंद्रादे से ये पूछा गया कि आंद्रादे एल इडोलो ने WWE के स्मैकडाउन के जगह WWE के मंडे नाइट रॉ को क्यों चुना, तो गाइस आंद्रादे का ये कहना है कि WWE के स्मैकडाउन के ऊपर ऑलरेडी यहां पर काफी सारे मैक्सिकन रेसलर है, और गाइस आंद्रादे एल इडोलो को नहीं लगता है कि स्मैकडाउन के ऊपर अब यहां पर और लुचाडोर की जरूरत है। और गाइस क्योंकि WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर स्मैकडाउन के मुकाबले कोई भी बड़ा लुचा सुपरस्टार नहीं गए, तो गाइस इसीलिए आंद्रादे एल इडोलो रॉ के ऊपर काम करना प्रेफर करेंगे, जिससे कि आंद्रादे की वजह से WWE के अंदर बाकी लुचा रेसलर्स की पॉपुलरिटी के अंदर कोई भी कमी नहीं होगी। और गाइस क्योंकि आंद्रादे एल इडोलो रॉ पर काम करते गए, तो गाइस आंद्रादे को यहां पर मैक्सिकन रेसलर को फेस नहीं करना पड़ेगा, और वो यहां पर बेसिकली मंडे नाइट रॉ के ऊपर लुचा
ब्रांड को रूल करना चाहते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर आंद्रादे का पहला सिंगल मैच किससे होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बॉबी रूट के WWE में फ्यूचर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले काफी महीनों से WWE के अंदर हमें यहाँ पर रॉबर्ट रूट AKA बॉबी रूट देखने को नहीं मिले गए। और वैसे तो बॉबी रूट वीकली बेसिस के ऊपर WWE के हर हफ्ते वीकली शो के ऊपर मौजूद होते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी WWE के ऑन स्क्रीन के ऊपर बॉबी रूट हमें यहाँ पर कभी भी देखने को नहीं मिलते गए। और यही WWE के ऑन स्क्रीन पर अपीयर होने को लेकर अब बॉबी रूट ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की, जहां पर बॉबी रूट का ये कहना है कि वो यहां पर WWE के अंदर करंटली प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते गए। और करंटली बॉबी रूट की उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है। और गाइज बॉबी रूट को नहीं लगता है कि वो यहां पर WWE के ऑन स्क्रीन के ऊपर कभी भी यहां पर WWE के मेन इवेंटर के तौर पर काम कर पाएंगे। और गाइज करंटली WWE के बैक स्टेज के ऊपर प्रोड्यूसर के तौर पर काम करके बॉबी रूट काफी ज्यादा हैप्पी गए। बट गाइज डेफिनेटली यहां पर अगर WWE के अंदर बॉबी रूट को फ्यूचर में कोई एक मैच लड़ने का मौका मिलता है तो वो यहां पर डेफिनेटली WWE के अंदर एक मैच को लड़ने के लिए टीवी पर रिटर्न करना चाहेंगे। और क्योंकि बॉबी रूट यहां पर फिजिकली पूरी तरह से फिट है तो गाइज इसीलिए WWE के अंदर अगर यहां पर फ्यूचर में कोई बढ़िया स्टोरी लाइन आती गए तो वो हमें यहां पर ऑन स्क्रीन पर लड़ते हुए दिखाई देंगे। बोला आप लोग बॉबी रूट को दोबारा टीवी पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही ऑन स्क्रीन पर अपीयर होने की, तो गाइज यहीं अब WWE हॉल ऑफ फेमर और रूसो के फादर रिकीसी के WWE पर रिटर्न होने को लेकर रिकीसी ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिसेंटली रॉक के WWE पर रिटर्न होकर ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद करंटली यहां पर ब्लड लाइन को लेकर काफी सारा ड्रामा चल रहा है। क्योंकि गाइज यहां पर लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिकीसी के एक बेटे जिमी उसो ने उनके दूसरे बेटे जो उसो पर अटैक कर दिया। तो गाइज वहीं ब्लड लाइन के अंदर रॉक और रोमन रेंस का रियूनियन हो चुका है। और यहीं WWE में ब्लड लाइन के इस पूरे ड्रामे के बाद अब सोशल मीडिया पर एक रेसलिंग फैन ने रिकीसी से ये पूछा कि क्या वो यहां पर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर WWE के ऊपर वन लास्ट टाइम उनका कमबैक कर सकते गए। तो गाइज यहीं रिकीसी ने जवाब देते हुए ये कहा कि वैसे तो रिकीसी की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, बट गाइज वो यहां पर डेफिनेटली WWE के अंदर ब्लड लाइन स्टोरी में काम करना पसंद करेंगे। और गाइज यहां पर अगर सही टाइम आएगा तो रिकीसी यहां पर WWE पर रिटर्न करके दोबारा से रिंग के अंदर रेसल भी कर सकते गए। वेल गाइज आप लोग रिकीसी को WWE के टीवी पर रिटर्न करते हुए देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।